हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान के लाइव मौसम अपडेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, बात करते हैं शाम 4:30 बजे के मौसमी आकलन के अनुसार देखा जाए तो आज रात राजस्थान के किन किन इलाकों में होने वाली है भारी बारिश की गतियां, तो किन किन इलाकों में आज रात भारी से बहुत भारी बारिश की गतियां होने वाली हैं, और किन किन इलाकों में आने वाले 24 घंटों के अंदर बारिश की गतियां रहने वाली हैं, और वर्तमान में राजस्थान के किन किन इलाकों में बारिश की गतियां जारी हैं। तो सुबह से देखा जाए तो जोधपुर, पाली, जालौर, उदयपुर के क्षेत्रों में मध्यम से तेज, तो कहीं कहीं इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां देखने को मिल रही है। दोपहर के बाद से देखा जाए तो जयपुर संभाग के कई इलाकों में और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में मध्यम से तेज, तो जोधपुर व उदयपुर संभाग के इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भारी बारिश की गतियों की शुरुआत देखने को मिली है। वर्तमान में देखा जाए तो ट्रफ राज उत्तरी हिमालय क्षेत्रों से होती हुई नई दिल्ली के आसपास के इलाकों से होती हुई जयपुर, ब्यावर, अजमेर के आसपास लगाकर जालौर के कुछ इलाकों से होती हुई अरब सागर तक बनी हुई है। इसी ट्रफ के आसपास देखा जाए तो मध्यम से तेज, तो कहीं कहीं इलाकों में भारी बारिश की गतियां आने वाले 24 से 48 घंटों तक राजस्थान के कई इलाकों में होने वाली हैं। विशेषतः देखा जाए तो जयपुर संभाग के कई इलाकों में, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग व उदयपुर संभाग के कई इलाकों में मध्यम से भारी, तो कहीं कहीं इलाकों में अति भारी बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। ज्यादातर इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतियां होने वाली हैं। राजस्थान के पाकिस्तान के बॉर्डर सटे इलाकों की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर के कई इलाकों में आज मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। कहीं कहीं हल्की बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी जरूर हो सकती है, परंतु कोई विशेष बारिश की गतियां इन क्षेत्रों में आने वाले 24 से 48 घंटों से लगाकर 15 फरवरी से पहले संभावित नहीं है। श्री गंगानगर के इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में 14 फरवरी से बारिश की गतियों की शुरुआत एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान के दक्षिणी भागों से शुरुआत करें तो जालौर के आसपास से लगाकर सांसौर, भीनमाल, धोरीमीना, बाकसर, बाड़मेर, गटर रोड के मध्य संपूर्ण इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में पिछले 5 से 6 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी, तो कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतियां देखने को मिली है। और वर्तमान में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के अंदर इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज, तो कहीं कहीं इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां होने वाली हैं। सिरोही, अबरोड, स्वरूपगंज से लगाकर उदयपुर के आसपास के संपूर्ण इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में आज रात मध्यम से तेज, तो कहीं कहीं इलाकों में मूसलाधार, तो एक दो इलाकों में भारी बारिश की गतियां होने वाली हैं। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास लगाकर राजसमंद, भीलवाड़ा, मंडलगढ़, जाजपुर, आंसी, देवगढ़, रानी, पाली, वायर सोजत के आसपास की संपूर्ण अरावली क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज, तो कहीं कहीं इलाकों में भारी बारिश की गतियां देखने को मिल रही हैं, जिस कारण से इन क्षेत्रों में कई इलाकों में नदी नाले उफान पर देखे गए हैं, और इन क्षेत्रों के किसानों को सूचित किया जाता है कि आप इन क्षेत्रों में नदी नालों के इलाकों में न रहें। जोधपुर, बालोतरा, शेरगढ़, उंडू, सेव के आसपास के इलाकों में भी कहीं कहीं तेज खंड बारिश की गतियां संभावित हैं, और आज रात इन क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतियों में बढ़ोतरी कई इलाकों में देखने को मिले। पोखरण, फलोदी से लगाकर ओसिया साड़ी के आसपास कहीं कहीं खंड बारिश की गतियां संभावित हैं। भोपालगढ़, कुसेरा, मेड़ता सिटी से लगाकर जैतारण, ब्यावर, अजमेर के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज, तो कहीं कहीं इलाकों में आज रात मूसलाधार बारिश की गतियां हो सकती हैं। केकड़ी, जाजपुर, मालपुरा से लगाकर टोंक, बनोली, साक्सू, जयपुर, दौसा के आसपास की बात करें तो संपूर्ण क्षेत्र में मध्यम से तेज, तो कहीं कहीं इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां देखने को मिल रही है। सवाई माधोपुर से लगाकर करौली, धौलपुर के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज, तो कहीं कहीं इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां हो सकती हैं। भरतपुर, अलवर के आसपास से लगाकर सुरू, झुंझुनू के कई इलाकों में हल्की खंड बारिश की गतियां आने वाले 24 घंटों के अंदर संभावित है। उत्तरी राजस्थान के इलाकों की बात करें तो हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों में आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर कहीं कहीं खंड बारिश की गतियां, तो गंगानगर के जो पाकिस्तान से सटे इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा के इलाकों में भी मध्यम से तेज, तो कहीं कहीं इलाकों में भारी बारिश की गतियां देखने को मिल रही हैं। और उत्तरी हिमालय क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों से लगातार भारी से बहुत भारी बारिश की गतियां देखने को मिल रही हैं, जिस कारण से हिमालय नदियों में भारी उफान देखने को मिल सकता है, और गंगा व यमुना नदियों के अंदर भारी जल आवक देखने को मिल रही है। नई दिल्ली के आसपास से लगाकर राजस्थान के बॉर्डर सटे इलाकों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतियां जारी हैं। गुजरात के उत्तरी इलाकों की बात करें तो संपूर्ण गुजरात के उत्तरी इलाकों में मध्यम से तेज, तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतियां देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, मौसम तक राजस्थान DRT सिंदर पर अब के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।